है एवरी वन सो आज मैं बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ so, सो हमारी फ़र्स्ट सेमेस्टर में छः सब्जेक्ट आती है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फार्मास्यूटिक्स चौथा है फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पांचवा है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड छठी है रेमेडियल मैथ्स या रेमेडियल बायोलॉजी ये सिक्स जो होता है रेमेडियल मैथ्स या रेमेडियल बायोलॉजी रेमेडियल मैथ्स वो स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका ट्वेल्थ में बायो था एंड जिनका ट्वेल्थ में मैथ्स था और वो अभी बी फार्मा करने आए हैं तो उनको छठा सब्जेक्ट रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना होगा ये चार सब्जेक्ट हमारी मेन सब्जेक्ट होती है इसके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होते हैं और ये दो सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रेमेडियल मैथ्स या रेमेडियल बायोलॉजी इनके सिर्फ इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं यानी कि इसके सिर्फ कॉलेज में एग्ज़ाम होते इसके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होते तो ये चार सब्जेक्ट हमारी मेन सब्जेक्ट है और इसी चार सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी होते हैं सो प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग है तो अभी मैं बताने वाली हूं थ्योरी के बारे में ये चारों सब्जेक्ट में क्या क्या थ्योरी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर एंड इन दोनों सब्जेक्ट में क्या क्या थ्योरी पढ़ने वाले हैं और एक चीज पहले ही मैं क्लियर कर देती हूं सारे सब्जेक्ट में हमें पांच पांच यूनिट पढ़ने हैं यह कंपल्सरी है ओके सो so, हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वन यहां पे वन है वन क्यों बोला जा रहा है इसको क्योंकि ये एच का पार्ट वन है ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पार्ट वन है और पार्ट टू इसी सब्जेक्ट का हम लोग सेमेस्टर टू में पढ़ने वाले इसीलिए यहाँ पे वन लिखा हुआ है एच ए पी वन ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है बी पी वन ज़ीरो वन टी इसका क्या मतलब है ये इस सब्जेक्ट का कोड है बी पी वन ज़ीरो वन टी बी पी यानी कि बी फार्मेसी वन जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है ये सेमेस्टर वन की सब्जेक्ट है और यहाँ पे जो वन लिखा है ज़ीरो वन इसका मतलब है ये पहला सब्जेक्ट है और टी का मतलब है थ्योरी यानी कि बी पी वन ज़ीरो वन टी इसका कोड है बी पी मतलब बी फार्मेसी वन का मतलब सेमेस्टर वन जीरो का मतलब पहला सब्जेक्ट है ये और टी मतलब थ्योरी सो so, इसमें हम लोग पांच यूनिट पढ़ने वाले हैं फर्स्ट यूनिट में हम लोग बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी सेलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बस एंड सेकेंड यूनिट में हम लोग इंटेग्यूमेंट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे स्किन के बारे में स्केल सिस्टम पढ़ेंगे एंड जॉइंट पढ़ेंगे एंड थर्ड यूनिट जो होगी उसमें हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे देन लिम्फैटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड फोर्थ यूनिट में हम लोग पैरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड स्पेशल सेंसेस स्पेशल सेंसेस में हम लोग ईयर एंड आइज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड फिफ्थ यूनिट में हम लोग कार्डोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे बस एच ई पी में हमें इतनी ही पढ़नी थी ये हमारा एच ई पी का पूरा सिलेबस था यहाँ कंप्लीट होता है नाउ मूव ऑन सेकेंड सब्जेक्ट हमारी जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस जिसका कोड है बी पी वन ज़ीरो टू बी पी यानी बी फार्मेसी वन सेमेस्टर वन ज़ीरो टू यानी कि ये सेकेंड सब्जेक्ट है हमारी टी मतलब थ्योरी ये हमारी कोड है बी पी वन जीरो टू वन जीरो टू टी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की ओके okay, इसमें भी हमें पाँच सौ यूनिट पढ़ने हैं फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़े हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की डेफिनेशन उसकी स्कोप एंड देन उसके बाद हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे एनालिसिस की उसके बाद मैथड्स ऑफ एक्सप्रेशिंग कंसनट्रेशन देन हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सोल्यूशन किसका किसका हम लोग पढ़ेंगे ऑक्जैलिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का एच सी एल का एन ए टू एस टू ओ थ्री का एच टू एस ओ फोर का के एम एन ओ फोर का सेरिक अमोनियम सल्फेट का ये सारे जो है इन सब का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ेंगे एंड स्टैंडर्डाइजेशन पड़ेंगे ओके देन okay? हम लोग फर्स्ट यूनिट में एरर्स पढ़ेंगे फार्माकोपिया पढ़ेंगे एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ पढ़ेंगे हम लोग इसमें लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे ये हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है देन सेकेंड यूनिट में हम लोग एसिड एंड बेस टाइट्रेशन पढ़ेंगे एंड नॉन एक्वस टाइट्रेशन भी इसी में पढ़ेंगे थर्ड यूनिट में हम लोग प्रिस्पिटेशन टैट्रेशन जिसमें कि मोर्स मैथड वल मेथड, मैथड मोडिफाइड वल हार्ट मैथड फजांस मैथड एंड एस्टिमेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ये प्रेसपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर पढ़ेंगे देन इसी में कॉम्प्लेक्सो मेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके बाद मेटल आयन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे मास्किंग डी मास्किंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे देन एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट थर्ड के अंदर ही पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में एक और चीज़ पढ़ेंगे ग्रेबी मेट्रिक के बारे में यूनिट थर्ड में ही पढ़ेंगे उसके, उसके बाद यूनिट फोर में हम लोग रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट की जो हमारी लास्ट यूनिट है यूनिट फाइव इसमें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस पढ़ेंगे जिसमें कंडक्टोमेट्री पोटेंशियोमेट्री एंड पोलेरोग्राफी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले थर्ड सब्जेक्ट है हमारी फार्मास्यूटिक्स वन इसे जनरल फार्मास्यूटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लोग बेसिक्स पढ़ने वाले हैं बेसिक सारी चीज़ें होंगी हमारी क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है एंड हम लोग थर्ड सेमेस्टर में भी एक फार्मास्यूटिक्स पढ़ने वाले हैं इसीलिए इसे जनरल फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं इसका जो कोड होता है बी पी वन ज़ीरो थ्री टी है बी पी बी फार्मेसी वन यानी कि सेमेस्टर वन में पढ़ लें और जीरो थ्री यानी कि ये थर्ड सब्जेक्ट है टी मतलब थ्योरी बी पी वन ज़ीरो थ्री टी इसकी कोड है ओके फार्मास्यूटिक्स वन सो so, इसमें भी हम लोग पाँच यूनिट पढ़ने वाले हैं यूनिट वन में हम लोग क्या पढ़ेंगे इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे फार्मेसी क्या है इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है स्कोप हमारी फार्मेसी की जो स्कोप है वो क्या क्या है देन उसके बाद हम लोग डोजेस फॉम इसमें पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पोसोलॉजी पढ़ेंगे ये यूनिट वन में ही इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है हमें उसके बाद यूनिट टू में हम लोग फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे दैन उसके बाद इसी में पाउडर्स पढ़ेंगे इसी में लिक्विड डोजेस फॉर्म्स भी पढ़ेंगे उसके बाद थर्ड यूनिट में हम लोग मोनोफेजिक लिक्विड्स पढ़ेंगे एंड बायोफेजिक लिक्विड्स पढ़ेंगे एंड जो हमारी फोर्थ यूनिट है उसमें हम लोग सपोजिट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड यूनिट फोर में ही हम लोग फार्मास्यूटिकल इनकम्पेटिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे एंड यूनिट फिफ्थ लास्ट जो यूनिट है उसमें हम लोग सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे फोर्थ सब्जेक्ट है हमारी फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका कोड है पी पी वन जीरो फोर टी इसमें भी पाँच यूनिट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट वन में हम लोग इम्प्योरिटीज पढ़ेंगे यूनिट टू में हम लोग एसिड बेस एंड बफर्स पढ़ेंगे दैन उसके बाद मेजर एक्स्ट्रासोलियर इंट्रासोलर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे देन, देन, देन उसमें डेंटल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे उसके बाद यूनिट थर्ड यूनिट थर्ड में हम लोग मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट जिसमें एसिडिफायर्स एंड एसिड कैथार्टिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ेंगे उसके बाद यूनिट फोर में मिसलेनियस कंपाउंड जिसमें एक्सपेक्टोरेंट इमेटिक्स हेमेटेनिक्स पॉइजन एंड एंटीडोड देन उसके बाद एस्ट्रिंजेंट ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग मिसलेनियस कंपाउंड में पढ़ेंगे जो यूनिट फोर में आता है उसके बाद यूनिट फाइव में हम लोग रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ेंगे ये जो हमारी यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ है ये ज़्यादा लेंदी है एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है ओके तो यहाँ पे फोर्थ सब्जेक्ट हमारी कंप्लीट होती है मैन जो हमारी चारों सब्जेक्ट थी जिसकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होने वाली है तो इसकी सिलेबस मैंने यहाँ डिटेल में बता दी है फिफ्थ सब्जेक्ट है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ये इंटरनल सब्जेक्ट है इसकी यूनिवर्सिटी नहीं होती है इसका कोड होता है बी पी वन ज़ीरो फाइव टी इसमें भी हमें पाँच यूनिट पढ़ने हैं यूनिट वन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे देन इसमें पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन ये तीन चीज़ें हमें यूनिट वन में पढ़नी है यूनिट टू में हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन स्टाइल्स ये दो चीज़ें ही पढ़ेंगे यूनिट टू में यूनिट थर्ड में हम लोग तीन चीज़ें पढ़ेंगे बेसिक लिसनिंग स्किल्स इफेक्टिव रिटर्न कम्युनिकेशन एंड राइटिंग इफेक्टिवली उसके बाद यूनिट फोर यूनिट फोर में हम लोग इंटरव्यू स्किल्स एंड गिविंग प्रेजेंटेशन ये दो चीज़ें हम लोग यूनिट फोर में पढ़ेंगे उसके बाद यूनिट फाइव यूनिट फाइव में हम लोग ग्रुप डिस्कसन पढ़ेंगे सिक्स सब्जेक्ट है हमारी रेमेडियल मैथ्स या रेमेडियल बायो सो हम लोग रेमेडियल मैथ्स का पहले सिलेबस देखते हैं जिसका कोड है बी पी वन जीरो सिक्स आर एम टी इसमें हमें चार यूनिट पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लॉग फंक्शन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी यूनिट टू में हम लोग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे एंड यूनिट थर्ड में हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे एंड लास्ट यूनिट यूनिट फोर में हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे अब देखते हैं रेमेडियल बायो में हमें क्या क्या पढ़ना है जिसका कोड है बी पी वन ज़ीरो सिक्स आर बी टी यूनिट वन में हम लोग लिविंग वर्ड एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ़ फ्लावरिंग प्लांट ये दो चीज़ें पढ़ेंगे यूनिट टू में हमें ब्लड डाइजेशन एंड ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है यूनिट थर्ड में हम लोग एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट थर्ड में पढ़ेंगे यूनिट फोर में हम लोग प्लांट्स एंड मिनरल न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस एंड यूनिट फाइव में प्लांट रेस्प्रेशन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सेल ये सारी चीज़ें हम लोग यूनिट फाइव में पढ़ेंगे एंड टिश्यू फर्स्ट सेमेस्टर की थ्योरी पार्ट यहाँ कंप्लीट होती है